जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। इंदौर में एक कार आती और वह कार में कपड़े उतारता, उसके बाद साधु का भेष बनाकर देता वारदातों को अंजाम। कौन है यह आरोपी और किन वारदातों को देता है अंजाम, यह जानने के लिए देखिए खबर विस्तार से। साधु के भेष में लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, उसके शीर्ष एवं चार पहिया वाहन की पुलिस कर रही तलाश। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर पुलिस थाना एरोड्रम और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साधु बनकर लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगा हुआ माल जब्त करते हुए साथ ही पुलिस उसके शिष्य व चार पहिया वाहन की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में आरोपी साधु ने वारदात को अंजाम दिया, तभी से पुलिस एरोड्रम और क्राइम ब्रांच इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। बिना नंबर की कार से घूमकर सुनसान इलाके में राहगीरों को सोने एवं चांदी के आभूषणों को अभिमंत्रित कर धन लाभ होने का लालच देता था और झांसा देकर लोगों को आभूषण लूट कर भाग जाता था। आरोपी ने इसी महीने के 20 तारीख को एक घटना को अंजाम दिया, जिसमें फरियादी गोकुल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिक्षक नगर के हीरो शोरूम के पास एयरपोर्ट रोड पर बिना नंबर की कार में एक साधु ने एक काला गमछा और रुद्राक्ष की माला गले में पहने हुए था, मुझे झांसे में ले लिया और सोने की चैन छीन ली। साधु बनकर लोगों को ठगने वाले आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार करना बताया जा रहा है और आरोपी किशननाथ विता बापूनाथ, जिसकी उम्र 38 साल है, उस पर कई अपराध इंदौर के थानों एवं उज्जैन पुलिस द्वारा दर्ज है। पकड़े गए आरोपी से ठगा हुआ माल पुलिस ने जब्त करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि साधु का वेश बनाकर ठगने वाले एक आरोपी को तो क्राइम ब्रांच और एरोड्रम की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ लिया गया है, लेकिन आरोपी का एक साथी जो घटना में शामिल था वह अब भी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये सब कम्बाइंड एक मुहिम चलाई गई और इसमें गुजरात से जो खेड़ी डिस्ट्रिक्ट का कबड़वंज जाकर रहने वाला है ये आरोपी, उसको सीसीटीवी फुटेज लगभग 700 सीसीटीवी फुटेज देखे और गुजरात तक उन फुटेज को देखते हुए उस आरोपी के गांव तक पहुंचे और तब फिर वहां शौहरत पता की तो पता चला कि कबड़गंज में रहने वाला किशननाथ पुत्र बाबूनाथ इस तरह का उसकी शौहरत है। ये पहले भी इसी तरह की घटनाओं पकड़ा जा चुका है। तब तत्कालीन तब वहां लोकल पुलिस की मदद लेते हुए थाना प्रभारी एरोड्रम और थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर यहाँ आए और उसको लेकर आए यहाँ पर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाकर उसकी लगभग 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। कुल मिलाकर इस जो आरोप पकड़े गए आरोपी के खिलाफ लगभग 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं कबड़गंज में। ये जो बेसिकली ये मदारी हैं और ये 5 उस गांव में इस तरह के 6-7 परिवार हैं और इसमें कुछ लोग इस तरह की शोहरत है कि इस तरह के अपराध घटित करते हैं और इसी शोहरत पर मैं आपको बता दूं 2022 में कोतवाली खरगोन ने भी इन दोनों आरोपी को पकड़ा था। इनके द्वारा कोतवाली में खरगोन में भी ये घटना की गई थी तो इनकी ये शोहरत है। इसमें निश्चित रूप से बहुत कड़ी मेहनत की गई है। थाना प्रभारी एरोड्रम और थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान जो कि क्राइम ब्रांच के हैं, इन दोनों ने जो टीमें बनाई थी उसमें बहुत मेहनत करते हुए 700 कैमरे लगातार गुजरात तक जो खेड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां तक देखते हुए ये लोग चले गए तो निश्चित रूप से ये काफी सराहनीय कार्य। अकेला इंदौर ही नहीं, यह मध्य प्रदेश के कई राज्यों में लूट की वारदातों को अंजाम देता था और आसानी से लोग इसके झांसे में आ जाते थे और उसके बाद इंदौर पुलिस ने एक टीम गठित कर कैमरों को खंगालते हुए इसे पकड़ने का प्रयास किया और आरोपी इंदौर पुलिस से बच नहीं पाया और पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की और पूछताछ में आरोपी ने कुछ पुरानी वारदातों के बारे में भी बताया, जिसको सुनकर इंदौर पुलिस हिल गई। ये थी आज की खबर और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।